बच्चों के लिए जो चीज़ें यहाँ पर सिखाई जाती हैं कहीं भी नहीं है। और जितना सेफ यहाँ पे लड़की है, दुनिया के किसी कोने में इतनी सेफ लड़की अपने आप को महसूस ही नहीं कर सकती जो यहाँ पे करती है। और दोस्तों द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आपको सीधा लिए चलते हैं डेरा सजा सौदा के अंदर। यहाँ पर जो लड़कियाँ आ रही हैं उनसे बातचीत करके जानेंगे कि लड़कियों के लिए क्या योगदान सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जिंसा कर रहा है, डेरा सजा सौदा कर रहा है, किस तरीके के कार्य है वुमन एम्पावरमेंट के लिए किए हैं जानेंगे। हमारे साथ अभी सोनिया जी हैं जो वेल एजुकेटेड हैं, उनसे बातचीत करके जानेंगे। सोनिया जी द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सोनिया जी कहाँ से आए हैं? मैं ब्लॉक महमदपुर रोही से आई हूँ, गांव खजूरी जाटी। और मैम आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैं फिलहाल PhD कर रही हूँ मास कम्युनिकेशन से। मैम डेरा सजा सौदा संस्था को आप कितने समय से जानती हैं? मैं बचपन से जानती हूँ, हमारी तीसरी पीढ़ी है जो अभी डेरा सजा सौदा के साथ जुड़ी हुई है, और जहाँ मेरी शादी हुई है वहाँ भी पांचवी पीढ़ी डेरा सजा सौदा से लगातार जुड़ी हुई है। मैम सोनिया जी आपसे जानना चाहूँगी, आप इतने लंबे समय से आ रहे हैं, आप किस तरीके से देखते हैं कि अगर डेरा सजा सौदा संस्था है उसका किस तरीके का योगदान हमारे समाज के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए रहा है? जितना योगदान डेरा सजा सौदा का हमारे समाज के लिए है शायद ही किसी दूसरी संस्था का योगदान इतना हो, क्योंकि जो ये यहाँ पे किया जा रहा है लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, जो चीज़ें यहाँ पर सिखाई जाती हैं कहीं भी नहीं है। और जितना सेफ यहाँ पे लड़की है, दुनिया के किसी कोने में इतनी सेफ लड़की अपने आप को महसूस ही नहीं कर सकती जो यहाँ पे करती है। हर मानवता भलाई के कार्य में ये लोग यहाँ के आगे रहते हैं सिर्फ गुरुजी की बदौलत। अगर गुरुजी हमें शिक्षा ना देते तो शायद हम भी अन्य लोगों की तरह ही होते। उनकी शिक्षा के, मानवता भलाई के कार्य हमें सिखाए, उनके ऊपर चलकर ही हम दूसरे लोगों को भलाई के कार्य करने के लिए प्रेरित भी करते हैं, उनके लिए कार्य करते भी हैं, गरीबों की मदद करते हैं, और जो भी हमें गुरुजी प्रेरणा देते हैं उसके लिए हम आगे आते हैं। क्या किया है, मतलब ऐसा क्या अलग कार्य गुरुजी ने शुरू किए हैं बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए, समाज के लिए कुछ करने के लिए? बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए जैसे कि कुल का क्राउन चलाया है, जिसमें है कि लड़कियां हैं, जैसे एक लड़की होती है अपने पेरेंट्स के तो वो लड़के को शादी करके अपने घर लेके आती है, और ऐसे ही जैसे मर्दानी भक्त वीरांगना के तहत एक मुहिम चलाई पिताजी ने, जिसके अंदर सबसे पहला नाम मेरा लिखा गया था, उसमें होता है कि लड़कियाँ हैंडीकैप्ड लड़कों से शादी करती हैं और हैंडीकैप्ड लड़कों का जीवन भर के लिए सहारा बनती हैं। अब जैसे मैं हूँ, मैंने एक हैंडीकैप्ड लड़के के साथ शादी की है और जीवन भर के लिए उसका सहारा बनी हूँ, और उनको भी ये उम्मीद हुई है कि हाँ हमारे भी मतलब कोई है जो हमें हमारे साथ खड़ा हो सकता है, और गुरुजी के मतलब कारण ही ये सब हुआ है, वरना आज के टाइम में कोई ऐसा नहीं है कि जो अपने जीवन साथी को ही एक अपाहिज के साथ शादी करने के लिए तैयार हो, उसको अपना जीवन साथी बनाए। मैम बिल्कुल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आजकल ऐसा तो बिल्कुल भी कोई सोच नहीं पाता है, खासकर लड़की है या लड़का है, बहुत टाइम लगता है रिश्ते ढूंढने में, और आपने पहले ही तय कर लिया कि हमें आप एक ऐसे जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो पंग लोग हैं, उनके साथ शादी करवाएंगे, ऐसी सोच आप लोगों के अंदर कैसे आई? ये सोच हमें सिर्फ गुरुजी की वजह से ही आई, क्योंकि गुरुजी ने मुहिम चलाई थी कि जो भक्ति होता है जो वैश्यों से शादी करते हैं लड़के, तो उसमें लड़के आगे आते हैं। हमारे मन में ये था कि लड़कियों को भी ऐसा मौका मिले कि हम भी मतलब देश के ऐसे कोई काम आ सकें जिससे हमारे माँ बाप का, गुरु का, देश का नाम रोशन हो। तो गुरुजी ने तब ये मुहिम चलाई थी कि लड़कियाँ भी ऐसी आगे आएँ जो हैंडीकैप्ड लड़कों के साथ शादी करें, तब गुरुजी की ये मतलब मुहिम चलाई थी उससे प्रेरित होकर कि हमें भी कुछ करने का मौका मिला है, और गुरुजी की इस मुहिम के तहत ही हम ऐसे आगे आए हैं। क्या आपको लगता है ऐसे संत की, ऐसे सोच की आज भी हमारी सोसाइटी को जरूरत है? मैम हाँ, आज के टाइम इस समाज को हमारे जैसे जो गुरु हैं सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा, उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आज भी वो अंदर हैं तो भी वो वहाँ से बैठे भी इतने मानवता भलाई के कार्य चला रहे हैं। जैसे अभी भी एक चिट्ठी आई थी सातवां पत्र, उसमें भी गुरुजी ने बोला है कि सबने मास्क लगा के रखना है, 7 फुट की दूरी रखनी है और मास्क बांटने हैं, और मानवता भलाई के ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करने हैं, वैक्सीन लगवानी है सबने, और वहाँ से भी संगत उनके वचनों को फॉलो कर रही है। अगर वो बाहर होके ये सब चलाएंगे तो पता नहीं देश कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। जो एलिगेशन संत जी के ऊपर लगाए गए दूसरी तरफ, उन सब के बारे में क्या प्रस्पेक्ट है, क्या मानना है? मेरा तो यही मानना है कि वो सब झूठा है, क्योंकि जब तक हम यहाँ पे बचपन से लेके आज तक ऐसा हमने ऐसा कुछ देखा नहीं जो उनके ऊपर लगाया गया है, क्योंकि वो सबसे पहले हमारी बुराई यही छुड़ाते हैं कि हमने कभी किसी की तरफ गलत नज़र से नहीं देखना। बड़ा है तो माँ बाप के समान, छोटा है तो बेटा बेटी के समान, और अगर कोई बराबर का है तो उसे भाई बहन के समान समझना है। जो हमें ऐसी शिक्षा दे सकते हैं तो उनके बारे में हम कैसे सोच सकते हैं कि वो ऐसे हों, और अगर वो ना होते शायद हम भी क्या पता कहाँ किस गंदगी में मुंह मार रहे होते। आज उसकी बदौलत हम जो नेक अच्छे कार्य कर रहे हैं और सही रास्ते पर जा रहे हैं। क्या अपील करना चाहोगे मैम सरकार से, संत जी की? मेरी सरकार से बस यही अपील है कि जल्दी से जल्दी हमारे गुरु जी को रिहाई की जाए उनकी, और उनको हमारे बीच में
भेज दिया जाए। जी मैम, सोनिया जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, आपको एक ऐसी लड़की के साथ आज हमने रूबरू करवाया है जिसने अपना नाम उस मर्दानी वक्त वीरांगना गाजी में लिखवाया है, जिस मुहिम के तहत जो सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान ने जो मुहिम शुरू करी है, उस मुहिम में ये रहता है कि कोई भी अगर अपंग जो लड़का है उसके साथ ये शादी करवाएंगी। ऐसी इनकी शादी हो चुकी है जो एक समाज के लिए एक ऐसी सोच है, ऐसी एक इनिशिएटिव है जो संत जी ने किया, जो बहुत बड़ी क्रांति है, जो कोई सोच भी नहीं सकता कि शादी भी ऐसे लड़के के साथ और पहले पता हो, ऐसी सोच के साथ ये लोग, ये लड़कियां समाज हित के लिए आ गई हैं। आप सोचिए, जिस संत ने ऐसे कार्य शुरू करे हैं, जिस संत ने समाज के लिए इतना सोचा है, आज ये लोग अपील कर रहे हैं कि जो भी ऐसी बातें उनके ऊपर दूसरी तरफ उठाई जा रही हैं वो तमाम झूठी हैं। ऐसे संत की समाज को सख्त ज़रूरत है। आप भी देखते रहिए सच्ची बात नहीं फैक्ट्स के साथ द फैक्ट टाइम में। बहुत बहुत धन्यवाद।